दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 23 खंड विकास अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के आदेशों की पालना करते हुए सरकार ने बीडीओ के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत डीआरडीए कांगड़ा में तैनात रेखा कुमारी को धर्मपुर भेजा गया है। ऊना में सेवाएं दे रहे सुदर्शन सिंह को डीआरडीए सिरमौर में तैनाती दी गई है। चंबा जिला के सलूनी में कार्यरत इंदु बाला को कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या बदला गया है, जबकि जनजातीय क्षेत्र सिरमौर में तैनात किशन चंद को कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में तैनात किया गया है। जिला मुख्यालय चंबा से सटे महला ब्लॉक में तैनात सुशीला को इंदौरा ब्लॉक भेजा गया है। जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित ब्लॉक में लंबे समय से कार्यरत अस्मिता को खंड विकास कांगड़ा में तैनात किया गया है। ये पद रिक्त चल रहा था। सिरमौर जिला के ब्लॉक बसमाल से यशपाल सिंह को ऊना भेजा गया है। ब्लॉक नगरोटा बगवा में कार्यरत रमेश कुमार को ब्लॉक बमसन हमीरपुर, ब्लॉक रैच कांगड़ा के बीडीओ मरीज कुमार को ब्लॉक महला चंबा, ब्लॉक सुलह कांगड़ा के सिकंदर सिंह को ब्लॉक बाली चौक मंडी, बीडीओ धर्मशाला अभिनीत कात्यान को ब्लॉक हमीरपुर, ब्लॉक बल मंडी से बशीर को ब्लॉक भटिया चंबा और चेतराम को बाली चौक से कांगड़ा के लंबा गांव भेजा गया है। इनके अतिरिक्त अनूप कुमार को नाहन ब्लॉक से ठियोग बदला गया है और रवि कुमार बैंस को धर्मपुर से नारकंडा तैनाती दी गई है। हेमचंद को नालागढ़ से गगरेट ट्रांसफर किया गया है, जबकि प्रताप चौहान को ठियोग से सलूनी तथा मरिकाना देवी को नारकंडा से सोलन के धर्मपुर ब्लॉक में तैनाती दी गई है। चौपाल में तैनात रोशन लाल को बिलासपुर के झंडूता तथा राजेंद्र सिंह को कुपवी से करसोग भेजा गया है। विजय कुमार नेगी को शिमला के छवारा से बल एट नेर चौक तब्दील किया गया है। जुबल में तैनात सतपाल सिंह को कुपवी, जबकि विकास खंड ऊना में सेवाएं दे रहे राजकुमार को सोलन जिला की नालागढ़ में बीडीओ लगाया गया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से स्टेट ब्यूरो चीफ मस्तराम जलैल की रिपोर्ट। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अम्बाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है। यही नहीं, भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन।